नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का वीडियो उन साथियों के लिए है जो ठंडे आटा चक्की का प्लांट लगाना चाहते हैं। सरदार गुरिंदर सिंह जी की ये वीडियो है जिसमें आप देखेंगे कि ठंडा आटा पीसने की चक्की ये बनाते हैं और पिछले 100 वर्षों से चक्की इनकी घर की है जो चक्की पे काम कर रहे हैं। एमरी स्टोन के साथ साथ इन्होंने नेचुरल स्टोन की चक्कियाँ तैयार की है जो कम आरपीएम पे पीसती है और जो आटा होता है वो ठंडा आटा कहा जाता है जिसमें टेम्परेचर तापमान नहीं बढ़ता, जिसकी वजह से गेहूं के या जिस भी अनाज के जो है नेचुरल गुण एज इट इज बने रहते हैं। तो जो साथी स्वास्थ्य की कड़ी में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं और पैसा कमाने के साथ साथ दूसरों को स्वास्थ्य देना चाहते हैं वो इस तरह के प्लांट लगा कर, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये प्लांट लगा कर आप स्वास्थ्य भी दे सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। दोस्तों बड़े प्लांट का ये वीडियो है जिसमें सरदार जी ये कोल्ड प्रेस चक्कियों के माध्यम से आटा तैयार किया जा रहा है। तो बड़े प्लांट कोई साथी लगवाना चाहता है सरदार गुरिंदर सिंह जी से मिल सकता है। बाकी सारी जानकारी आगे इन वीडियो में दोस्तों देखिए। आइए मिलते हैं सरदार गुरिंदर सिंह जी से। तो दोस्तों ये सरदार गुरिंदर सिंह जी हैं जो अमृतसर में हैं और कोल्ड प्रेस चक्कियां भी तैयार कर रहे हैं। इनकी चक्की 1922 से चल रही है, 100 साल पूरे हो चुके हैं जो इनके परदादा जी ने स्टार्ट की थी। बाकी हम जानते हैं सारा सरदार जी से। नमस्कार जी। नमस्कार सरदार जी, आप अपने पहले तो सारे ये जो चक्की लगाई थी आपके दादाजी ने इसके बारे में सारी हिस्ट्री सी बता दीजिए हमारे को। ये पहले होती थी पुरानी चक्की बड़े पत्थर वाली। हाँ जी। जो नेचुरल स्टोन होता। हाँ जी। फिर नया ज़माना आ गया, एमरी की चक्की लगा ली। हाँ जी। लेकिन अपने दादाजी से बैठे बातें सुनी, पता था क्या होता क्या नहीं है। फिर मैंने एक पत्थर ला के मैंने अपने लिए तैयार की चक्की। हाँ, उसका आटा बेचा, उस पर जो रिसर्च की, जो उसको बढ़िया किया और बढ़िया चक्की का बनाया, तो वो ये वाली चक्की है। ये वाली। हाँ, तो ये 2012 में बनाई थी मैंने, 10 साल हो गए। 2012 में ये बन के तैयार हो गई थी। हाँ, तैयार हो गई थी। उसके बाद थोड़ी थोड़ी इसमें इम्प्रूवमेंट होती रही, जैसे जैसे आपको महसूस हुई सुधार होते हैं, क्योंकि हमारी रेगुलर यूज़ है। हाँ जी, हमें तो पता रहता क्या प्रॉब्लम आ रही क्या नहीं है। तो ये 2012 में बन गई, ये चल पड़ी। उसके बाद लोगों ने इसका आटा भी पसंद किया। हाँ जी, हमारा खुद का रिटेल काउंटर है, यहीं पे बेचते हैं, बाहर दुकानों पे नहीं देते, अपने काउंटर पे बेचते हैं। ये आपने बनानी कब स्टार्ट की थी? 2012 में की थी। 12 में ही की थी और 12 में ही आपने बना के तैयार किया। आटा शुरू हो गया था इस पे। अच्छा, वैसे तो ये 2015-16 तक ये इसमें इम्प्रूवमेंट सुधार होती रही है, सुधार होती रही समय के अनुसार। मैंने यूट्यूब पे इसी की वीडियो डाल दी। हाँ जी, उससे लोगों ने मेरे को ऑर्डर भी देने शुरू कर दिए। मेरे पास जो नो हाउ थी मैंने वो चक्कियाँ भी बना के फिर देनी शुरू कर दी। अगर आप बात करें तो आपकी ये चक्कियाँ भारत में किस किस जगह जा चुकी है? जी, महाराष्ट्र में भी हैं, दिल्ली में भी हैं, राजस्थान में भी हैं और कर्नाटका में भी हैं। हाँ जी। और पंजाब में भी हैं, लुधियाना में भी है, यमुनानगर भी है, ऐसे बहुत सारी जगह हैं। अच्छा, और ये कोल्ड प्रेस? ये कोल्ड प्रेस है। अच्छा, ये कितने आरपीएम पे चक्कियाँ आपकी? देखो जी, हर पत्थर का अलग से रहता है, ये सही आरपीएम इसके रह जाते 60-70-80 के बीच में। मतलब 80 आरपीएम तक आटा ठंडा ही आएगा? बहुत बढ़िया रहता है, 80 आरपीएम पे प्रोडक्शन भी सही आ जाती है, आटा भी ठंडा रहता है। अच्छा, दोनों काम हो जाते हैं। तो एक बार इन चक्कियों की कॉस्ट लगभग कितनी है, कितने इंची चक्की कितने की पड़ जाती है लगभग? कॉस्ट इसकी ऐसे ही है ना, कुछ अब चक्की कोई स्टील वर्क करा लेता है। हाँ, वो और महंगी हो जाती है। कोई वुड वर्क करा लेता है वो और महंगी हो जाती है। नॉर्मल जो चक्की है ये समझ लीजिए भी छोटी चक्की 40,000 से लेके 1.5 लाख तक बन जाती है, बड़ी चक्की इसके बीच में आ जाती है। 40,000 की जो है वो 18 इंच उसका प्रोडक्शन 5-7 किलो रहता है उसका प्रोडक्शन। मतलब घरेलू के लिए, घर के लिए? घर के लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा इसको। अच्छा जी, क्योंकि आप घर में 5 किलो आटा बनाओगे 15 दिन नहीं ख़त्म होगा। अच्छा, उसका भी प्रोडक्शन ज़्यादा है? नहीं, ज़्यादा नहीं है। 5 किलो बना लोगे, 15 दिन आप उसको यूज़ करोगे। हाँ जी। 15 दिन के बाद फिर 5 किलो बना लोगे। हाँ जी। 3 महीने के बाद जो उसके अंदर थोड़ा आटा रह गया है उसको काम ख़राब हो जाएगा, वो आटा इन्फेक्टेड हो जाएगा, क्योंकि घर में ये चक्की की सफाई नहीं हो सकती। मतलब रेगुलर चलनी चाहिए, रोज़ आधा घंटा चले। हाँ, ये बात आपकी ठीक है। ये घर के लिए, इसलिए 5-6 घर हैं, मिल के ले रहे हैं।
आज उसने चला ली, कल उसने चला ली, वो चक्की साफ रहेगी। तो आपके पास तो दूसरी चक्की का भी प्लांट है जो नॉर्मल है, अमरीक वाला, जो स्पीड से गर्म आटा कह सकते हैं उसको, तो उसके आटे में और इसके आटे में जो आपके कस्टमर है वो कितना बताते हैं फर्क? इसमें ही अंतर है जी। हाँ जी, इस पे जो सारी ताकत है व्हीट जर्म ऑयल, उसमें जल जाता है। 122 डिग्री के बाद कोल्ड प्रेस नहीं रहेगा। 122 डिग्री से नीचे नीचे कोल्ड प्रेस है, एक सौ बाईस डिग्री के बाद उसमें कितना टेम्परेचर हो जाता और है? अरे उसका जब चक्की बनने वाली होती है वो तो 170 तक चला जाता है। 170 तक चला जाता है, आटे को हाथ नहीं लगता है। हाँ, ये तो सबको ही पता, सबको पता आटे और इसमें टेम्परेचर, इसमें देखो गर्मियों में टेम्परेचर हो जाता है इसका 110, 112, 115। अच्छा, और सर्दियों में इसका टेम्परेचर जो है 100 से नीचे रह जाता है। अच्छा, अगर आप 40 RPM पे बात करें तो फिर देखो, अगर आप इसको गेहूं दे रहे हो 100 डिग्री टेम्परेचर वाली, हाँ गेहूं पे भी तो डिपेंड करेगा ना। हाँ जी, आपने गेहूं साफ की, गर्म में धूप में पड़ी है, ला के आपने इसमें डाल दी, तो वो 100 का 102 हो जाएगा बस। हाँ हाँ, अगर आपकी गेहूं ठंडा है और अच्छी जगह पड़ा हुआ है, साफ़ सुथरा है, बिना मॉइस्चर के, तो उसका टेम्परेचर कम पड़ेगा। बिल्कुल, बेसिकली ये चक्की है, फ्रिज तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ, इसे हल्का सा वो तो आएगा एक दो डिग्री का, मतलब कोल्ड प्रेस वाले। कोल्ड प्रेस की हमारी स्पेसिफिक जो नॉर्म्स हैं वो 122 डिग्री है। अच्छा, वीट जर्म ऑयल नहीं जलना चाहिए। वीट का जो ऑयल है, हाँ वीट जर्म में ऑयल होता है, वो नहीं जलना चाहिए, वो आपको बाजार में मिलेगा ही नहीं। तो अब जो अपन नॉर्मल आटा खा रहे हैं उसमें तो वीट ऑयल है ही नहीं, इसका मतलब बस वो जल्दी की जल्दी वाला बात है ना, फटाफट गए माल बना दे 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 कर दे चले, टाइम है नहीं, भागदौड़ की जिंदगी होगी, इसलिए वो भागदौड़ की बाद में डॉक्टर के पास ही जाना है। बिल्कुल, वो जो अच्छा खाओगे अच्छी सेहत रहेगी। ये हमारे बुजुर्ग खाते थे, इसमें सारा फाइबर सब कुछ इसी में है, आटे में सब कुछ रहता है, अब जो अंदर जाएगा वो काम अच्छा करेगा। बिल्कुल सही बात है। एक ये इसकी थोड़ी प्रोसेसिंग समझा देंगे आप कैसे क्या प्रोसेसिंग? साफ गेहूं करके इसमें डालते हैं, आगे आटा बन जाता है इसमें, और मतलब इसके जो नीचे दिखाई दे रही है ये इसके RPM की सेटिंग है, ये गिरारियों का सारा खेल है। बिल्कुल बिल्कुल, वो इसके RPM की सेटिंग। अच्छा चलो, वो एक चक्की चला के दिखा दीजिए। चक्की चला दो यार। दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पीछे जो चक्की हमारी दिख रही है ये फिलहाल इन्होंने तैयार करी हुई है, अभी ये ट्रायल पे है। इसका RPM 110 है, 110 RPM पे अभी ये पीस रही है। और इसका ऊपर वाले पत्थर का साइज कितना है सरदार जी? सर 10 इंची होगा, ऊपर वाला 10 इंची और नीचे वाला? नीचे वाला 8 इंची। 8 इंची, 10 इंची और 8 इंची का पत्थर है, उसके बावजूद भी ये बिना किसी झटके के और बिना किसी रुकावट के बिल्कुल आराम से चलेगी। जैसे ही हम बटन ऑन करेंगे ये ऊपर वाला स्टार्ट हो जाएगा, वो देखिए आप वहाँ पे, ये इसका स्टार्टर है, चला दीजिए सर। देखिए इस साइड ये बटन ऑन हुआ और इस साइड ये चल पड़ी है, ये देख लीजिए। और ये देखिए ये आटा आ रहा है, वाइट आटा, कोई मिलावट नहीं। देखिए ये आटे की क्वालिटी काफ़ी महीन और काफ़ी बढ़िया आटा है, लेकिन इसका टेम्परेचर थोड़ा सा हमारे को हाई दिख रहा है, क्योंकि इसमें अभी 110 डिग्री 110 RPM पे है। इसके पत्थर की अभी घिसाई चल रही है, इन्होंने ये चक्की मक्का पीसने के लिए बनाई है, इसलिए अभी इसकी ज़्यादा घिसाई की ज़रूरत है। और इसमें खास बात एक और ये है, देखिए इसके अंदर जो ये गेहूं डल रहा है ना, वो भी इन्होंने एक सेंसर टाइप में सेट कर दिया है, उसमें कोई ज़्यादा नहीं कोई कम नहीं, बिल्कुल टाइम टू टाइम ऐसे आ रहा है। देखिए और नीचे से दिखा दीजिए, इसमें कोई गेयर बॉक्स नहीं है, सारा का सारा इन गोल गोल गिरारियों का ही फर्क है। ये कोल्ड प्रेस चक्की कह सकते हैं हमें, जो कम RPM पे काम कर रही है, ये जिसमें गेहूं में के या अनाज के जो प्रकृति ने गुण दिए वो एज इट इज बने रहते हैं, सिर्फ इसीलिए। बाकी हम सरदार गुरिंदर सिंह जी का नंबर दे देंगे, जिस भाई को कोई क्वेरी हो, कोई जानना चाहता हो तो इनसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। हाँ जी।
ये देखिए दोस्तों, इस चक्की की सफाई, ये साइड वाली चादर हटा के बिल्कुल आराम से की जा सकती है। देखिए जैसे गेहूँ पीस के बेसन पे लाए या बेसन से गेहूँ पे करनी या दलिया करना है तो उस समय बिल्कुल आराम से चादर हटा के, और ये वो पत्ती है जो आटे को बाहर ले आती है बार बार, ये वाली पत्ती।